हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन मुंबई। जी हाँ गाइस, अगर आप लोग जो यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं मुंबई से, तो गाइस मुंबई में कौन से मेडिकल कॉलेजेस, टॉप मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी जो यहाँ पे मेडिकल कोर्सेज की जो गाइस पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो उसी के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है आप लोग को मेडिकल कोर्सेज करने के लिए, उसकी कंप्लीट लिस्ट चेक करेंगे, रेटिंग्स देखेंगे, एडमिशन प्रोसीजर क्या है उस टॉप मेडिकल कॉलेजेस का, किस तरह से आपका एडमिशन मिल सकता है, कौन से कोर्सेज उस कॉलेजेस में अवेलेबल है, साथ ही कॉलेज जो है कब स्टैब्लिश की गई थी, किस वो कॉलेज एफिलिएट किसके साथ है, हर एक चीज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के थ्रू अलर्ट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉप मेडिकल कॉलेजेस इन मुंबई के बारे में और डिटेल में जानना। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो है मुंबई के कॉलेजेस के बारे में जानने वाले, तो थोड़ा पहले मुंबई सिटी के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस आपके ये जो मुंबई सिटी, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में जो गाइस सिचुएटेड है, उसी के साथ ये जो है गाइस महाराष्ट्र का कैपिटल भी जो है, उसी के साथ यहाँ पे जो है मुंबई स्टेट को या मुंबई सिटी को यहाँ पे जो है फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है कंट्री का। तो गाइस यहाँ पे मुंबई में आपको बता दूँ कई सारे रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, और उसी के साथ यहाँ पे आप जो है मुंबई जो है मेडिकल एज वेल एज इंजीनियरिंग फील्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। और लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो गाइस 90.81 यहाँ पे जो है एवरेज लिटरेसी रेट है मुंबई का अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जो है कंप्लीट मेडिकल कॉलेजेस की, टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट देखेंगे, जिसमें गाइस प्राइवेट, गवर्नमेंट, डीम यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। उसके जो सारे के सारे यूनिवर्सिटी जो है MCI और DCI के थ्रू जो यहाँ पे अप्रूव्ड है। अब गाइस यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट, जो कॉलेजेस हम आपको लिस्ट करके बता रहे हैं, उसे रेट किस हिसाब से किया गया तो आपको बता दूँ, कंप्लीट सर्वे करने के बाद गाइस उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड कराई जाती है कॉलेज में, नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, उनका एकेडमिक एक्सीलेंस, एजुकेशन क्वालिटी क्या है, इंटर्नशिप, फीडबैक, स्टूडेंट से फीडबैक लेने के बाद, ये सारी चीज़ें को गाइस माइंड में रखें जो है यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे रेटिंग्स दी गई है। अब एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा कॉलेजेस का, तो गाइस आपका MBBS, BDS जैसे कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो नेशनल लेवल एग्जाम दैट इज नीट, उसके बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और अगर कोई भी स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जाम के बेस आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको जो है नीट नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो उसे क्रैक करना होगा तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। वही अगर PG मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको नीट PG का एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा। अब बात की जाए टॉप मेडिकल कोर्सेज की, तो कैसे यहाँ पे जो है 12th के बाद मेडिकल फील्ड में स्टूडेंट्स को कई सारे जो ऑप्शंस मिलते हैं, कई सारे कोर्सेज हैं, MBBS हो गया, BDS हो गया, और भी BAMS, BUMS, BHMS, MD, MS कोर्सेज, कई सारे कोर्सेज हैं, जो भी कोर्सेज आप चाहते हो सारे के सारे कोर्सेज इन कॉलेजेस में अवेलेबल है। अब कैसे यहाँ पे कंप्लीट कॉलेज की लिस्ट, स्टैब्लिश कब की गई है और किसके साथ एफिलेटेड है वो दे दिया गया है, तो आइए हम वन बाई वन यहाँ पे जो एक एक कॉलेज आप देखेंगे। सो कैसे सबसे पहले जो कॉलेज आती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई, एस्टैब्लिश इन 1845 एंड एफिलेटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। नेक्स्ट सेट GS मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश इन 1926 एंड एफिलेटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। नेक्स्ट टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश इन 1921 एंड एफिलेटेड टू, यहाँ पे क्या सभी जितने भी कॉलेजेस सारी के सारी ऑलमोस्ट महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से ही एफिलेटेड है, तो यहाँ पे एफिलेटेड मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप डायरेक्टली देख सकते हो, अगर कोई अलग एफिलेट रहेगी तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश इन 1964। KS सोमिया मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश इन 1991। तेरना मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश इन 1991। देन नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं MGM इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, एस्टैब्लिश इन 1982 एंड एफिलेटेड टू डीम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एस्टैब्लिश इन 1938 एंड अगेन एफिलेटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। देन राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश इन 1992। MGM डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नवी मुंबई, एस्टैब्लिश इन 2003। तेरना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नवी मुंबई, एस्टैब्लिश इन 2002। देन YMT मेडिकल डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई, एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999। नेक्स्ट आयुर्वेदा महाविद्यालय मुंबई, एस्टैब्लिश इन 1954। उधर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश इन 1941। YMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एस्टैब्लिश इन ईयर 1991। चंदाबेन मोहन भाई पटेल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश इन 1957। विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, एस्टैब्लिश इन 1989।
एंड लास्टली साई होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुंबई एस्टेब्लिश इन द ईयर 2006। सो गाइस यहाँ पे हमने जो है कंप्लीट जो है यहाँ पे हमने जो है पूरे कॉलेज की लिस्ट देख ली है विद एस्टेब्लिश ईयर और उसी के साथ एफिलेटेड टू भी हमने पूरा कंप्लीट देख लिया है। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बेनिफिशियल रहा होगा। आपको यहाँ पे कंप्लीट कॉलेजेस की लिस्ट दे दी गई है। इवन अगर आपको फिर भी और कोई डिटेल जानी है, कोई भी और हेल्प चाहिए, कोई भी और नॉलेज चाहिए, आप लोगों को कोई भी मदद चाहिए, डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।